नमस्कार, कांटेल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इन्होंने कॉन्फ्रेंस में बताया है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इन्होंने कहा है कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए दो चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होगा। चित्तौड़गढ़ उदयपुर लोकसभा का चुनाव द्वितीय चरण में होगा, जिसके अंतर्गत 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं 4 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 5 अप्रैल को होगी, वहीं 8 अप्रैल को अपने नाम वापस लिए जा सकेंगे। संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होगा, 4 जून 2024 को मतगणना होगी। कलेक्टर ने कहा है कि मीडिया से आमजन को मतदान हेतु प्रेरित करने, जागरूक करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष भयमुक्त चुनाव कराने में सहयोग अपेक्षित है। इन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और फेक न्यूज के किसी भी तरह के मामले की सूचना हमें दें। इन्होंने बताया कि सी विजिल सेल और कंट्रोल रूम स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही 24 घंटे के भीतर की जाने वाली प्रक्रियाएँ एवं कार्यवाहियाँ हो चुकी है। वहीं 48 और 72 घंटों में की जाने वाली प्रक्रिया भी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप की जाएगी। इन्होंने सभी मीडिया कर्मियों से कहा कि स्वतंत्र, निर्भीक एवं निष्पक्ष मतदान कराने में सहयोग प्रदान करें। वहीं SP लक्ष्मण दास ने कहा कि लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त करवाने के उद्देश्य से सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी है। इन्होंने पत्रकार वार्ता में संबोधित करते हुए कहा कि सभी चुनावी गतिविधियों को प्रभावी रूप से संपादित करने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है और इस दौरान किसी भी प्रकार के अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। इन्होंने कहा कि फेक न्यूज, चुनावी कदाचार या आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कोई भी गतिविधि जो चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त कराने में बाधक हो, उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को अवश्य दे। वहीं यहाँ प्रेस वार्ता में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय पाठक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा, SEO धनदान देथा, तहसीलदार निर्वाचन दिशा गांधी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी नवदा परदेशी सहित पत्रकार अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मनोज राठौड़, कांडल की आवाज, प्रतापगढ़। लोगों को अवगत है, कल ECI द्वारा अनाउंसमेंट की गई इलेक्शंस की आगामी लोकसभा चुनावों के लिए, और उसी के संबंध में आज ये मीडिया हाउसेस की, इंडिविजुअल जर्नलिस्ट की मीटिंग बुलाई गई थी। जैसा कि सभी लोगों को अवगत है, हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है, हम लोग के चुनाव सेकंड फेज में किए जाएंगे, जिसमें 28 मार्च को डेट ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन होगा और 26 अप्रैल को डेट ऑफ पोल होगा। और आज मीडिया की बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि मीडिया का भी इसमें बहुत ज़रूरी रोल है। मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया से हमारी क्या क्या अपेक्षाएँ हैं, बिल्कुल फैक्ट चेक करके ही कोई रिपोर्टिंग करे, MCC की कोई भी वायलेशन हो तो उसके बारे में हमें अवगत कराए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो आएँ डेट ऑफ पोल के दिन और अपना मतदान अवश्य करें। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ, फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, MCMC जो हमारी मॉनिटरिंग कमेटी है, जो हमारा कंट्रोल रूम जो अब एस्टेब्लिश हो गया है, हमारी FST जो फील्ड में घूम रही है, किसी भी तरह की समस्या हो, MCC की वायलेशन की कुछ भी शिकायत हो तो हमें ज़रूर बताएं। और आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, जैसे ही MCC लागू की गई, हमने सारे पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स हटाए हैं और विद इन 24, 48 और 72 आवर्स जो भी प्रक्रिया MCC के संबंध में की जाएगी उसकी भी रिपोर्टिंग की जाएगी। मेरा मीडिया ग्रुप से यही अनुरोध है कि निष्पक्ष और निर्भीक रूप से जो हमारे चुनाव कराने की प्रक्रिया में हम सभी लोगों का सहयोग दें। धन्यवाद। कि इसके अंदर देखना ये होता है कि आदर्श आचार संहिता जो चुनाव आयोग के निर्देश है उनकी अवहेलना कहीं भी नहीं, और उसके अंदर अपने सबके संबंध में निर्देश हैं, मीडिया के संबंध में भी है, आम लोगों के संबंध में भी है, राजनीतिक पार्टी के संबंध में भी है, सोसाइटीज के संबंध में है, सोशल मीडिया है, तो इन सब के संबंध में सारे निर्देश हैं, तो उनकी पालना हमको करवानी है और वो पालना करवाने के लिए आप लोगों का सहयोग हमको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग ही लोगों में वो चीज़ पहुंचाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जिसको जो हमको इस दौरान नहीं करने हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग ही हम सहयोग करते हैं, क्योंकि आप भी पार्टी है, इसी प्रशासन का पार्ट है, इसलिए हम आपको जो है इस तरह बुला के हमसे आपसे भी बात कर रहे हैं, आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं सारी प्रोसेस में, ये समझो आपको बात का मतलब ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो हमारे साथ, तो हम लोग सारी व्यवस्थाएं जो प्रॉपर कर रखी हैं, फोर्स डिप्लॉयमेंट का पूरा प्लान पूरा तय हो चुका है और कहीं भी कोई दिक्कत आती है
कहीं भी कोई आपको, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लोगों के टच में रहते हैं, तो आप जो भी कोई इंफॉर्मेशन आती है आप तुरंत हम लोगों को बताएं, तो अपन उसकी जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करवाएंगे। और क्योंकि अपना एरिया ये काफ़ी रूट जो है इंटरस्टेट रूट है, इधर रतलाम का हो गया, मंदसौर का, नीमच का, इसमें अवैध मादक पदार्थ वाले और आसादी किस्म के लोगों का आवागमन, क्योंकि अब इलेक्शन वहाँ भी है यहाँ भी है, वैसे इंटरस्टेट बॉर्डर हमने नाके लगवा दिए हैं, उनके भी चल रहे हैं, अपने भी चल रहे हैं, फिर भी कहीं कोई बाई रूट या कोई ऐसे रूट से तो आपको सूचना मिले साहब इससे तो नहीं जा रहे लेकिन इधर से जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसा भी कोई आपराधिक गतिविधियाँ जो चोरी छुपे कोई बाई रूट दूसरा बाईपास करके कर रहा हो तो हमको आप बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। और क्योंकि रहता है कि हमारा तो हमेशा ही है कि अपराध के प्रति तो हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा ही रहेगा, इलेक्शन भी हमें 100% फेयर करवाना है, ये हमारा इसमें भी जीरो टॉलरेंस अलाउड है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी हमारी प्रशासन की, और हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो अपना जिले का भी नाम होगा और अपने लोगों का भी नाम होगा कि वहाँ की टीम ने अच्छा काम किया। यही कहना कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है, और जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी महोदया द्वारा बताया गया है कि सेकंड फेज में अपने यहाँ चुनाव होने हैं, 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा और 26 अप्रैल को पोल डे होगा। चूँकि अपने यहाँ पे पीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, तो कोई पीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ एसी की, तो उसके संबंध में आरओ मुख्यालय चूँकि प्रतापगढ़ है इसलिए नॉमिनेशन और काउंटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो चित्तौड़गढ़ डीओ साहब द्वारा संपादित की जाएगी। बाकी जो सारे चीज़ें हैं वो अपने यहाँ से संचालित होंगी, जिसमें ट्रेनिंग ऑफ पोलिंग पर्सनल्स जो हैं उसकी ट्रेनिंग का है, पहले जो पहला उनका फेस है, प्रथम प्रशिक्षण है वो आयोजित किया जा चुका है, सेकेंड और थर्ड ट्रेनिंग अब आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही एक्सपेंडिचर पर मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी मैकेनिज्म है उसके अंतर्गत एफएससीज का संचालन आफ्टर जस्ट अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन होना होता है वो कर दिया गया है, और दोनों जो एसी हैं उनमें एफएससीज जो लगनी है 3 प्रताप उसमें धरियावत एसी में और 4 प्रतापगढ़ एसी में एफएसटी पारी के हिसाब से, जैसे एक पारी में 4 रहेंगी और 3 पारी बनाई गई हैं तो उस हिसाब से रोटेशन में उनका काम चलेगा। 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एसएसटी भी फील्ड में काम पर लग जाएंगी, इसके थ्रू आचार संहिता की भी पालना सुनिश्चित की जाएगी और जो एक्सपेंडिचर रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो भी उसके थ्रू मॉनिटर की जाएंगी। बाकी जो ईसीआई के डायरेक्शन हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक हम अच्छे चुनाव संपन्न करा पाएंगे, स्वतंत्र रूप से, निर्भीक रूप से और निष्पक्ष रूप से हम चुनाव कराएंगे, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित रहेगा। जैसा कि मैम ने कहा और एसपी सर ने भी कहा कि लोगों को या मतदाता जो हैं उनको मोटिवेट करना, और ख़ासतौर से जो नए मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं, उनको पूरी मोटिवेट करके और पोलिंग बूथ तक ले जाना और पोल करवाना और पोलिंग परसेंटेज जो है उसको बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य होगा और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो ऐसा हमारा प्रयास है और बेहतर हम करने में सफल भी हों। मैडम पिछली बार भी मीडिया ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था हर चीज़ में, और जैसे कोई भी प्रेस नोट्स वगैरह आते हैं वो तो हम समय समय पर आपको उपलब्ध करवाते ही हैं, उसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे बोलिए और हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, और कोई भी खबर आती है तो एक जैसे आपको लगता है कि खबर आपको डाउट है कि वो सही है या नहीं है तो एक बार आप हमसे फैक्ट चेक, हाँ फैक्ट चेक करवा सकते हैं, बात कर रही थी फैक्ट चेक जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप कोई गलत खबर छापते हैं तो उसकी रियलिटी चेक करना, उसकी फैक्ट्स बताना कि ये खबर झूठी है और आपने जो वो किया उसकी रियलिटी चेक करना हमारी भी जिम्मेदारी है, और वो ईसीआई की वजह से भी अभी मैंने आप लोगों को बताया फैक्ट वर्सेज रियलिटी ईसीआई की डैशबोर्ड पर भी अब आ गया है, वो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं भी वैसे तो हम सभी लोग जिम्मेदार हैं पर कई बार कोई चीज़ आती है और उनसे प्रूफ चेक किए बिना कई बार
छाप देते हैं या उस तरीके से होता है, तो उससे स्पेशली ड्यूरिंग एमसीसी इलेक्शन के माहौल में चीज़ें बिगड़ने की संभावना होती है। इसीलिए नॉर्मली तो नहीं पर एमसीसी के दौरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ जब तक आप लोगों ने खुद वेरीफाई नहीं कर ली ना छाप।